झारखंड रांची से किसान, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि यह सिर्फ पंजाब के किसानों का मोर्चा है, तो आपसे वाहिगुरु जी अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट प्लीज बताएं। हमारा नाम तजिंदर सिंह है, हम झारखंड से आए हैं। हमारे साथ पंधेर वीर जी हैं, जसपाल पंधेर। दिल्ली से हमारे सिमरनजीत सिंह जी हैं। तो आप सर बताएं कि आपको आते हुए यहाँ पे आने में क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत ऐसी कुछ नहीं हुई। आगे जो सेवा कही शुरू हुई है, अंत तक सेवा लगी हुई है, सरकारी नुमाइंदे खड़े हुए, ऐसी कोई परेशानी तो नहीं हुई। लेकिन बस यही दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी हो सके बिल को रद्द करें, क्योंकि देखिए जिनके लिए आपने बिल बनाया है उनको ये बिल स्वीकार नहीं, तो ऐसी जिद तो कोई फायदा तो है नहीं। बिल्कुल। और सर आप जो जो झारखंड के किसान है वहाँ पे क्या आक्रोश है किसानों में, कि सिर्फ ये आपको लगता है कि नॉर्थ इंडिया में जो दिल्ली में बैठे हैं किसान उन्हीं में आक्रोश है? नहीं, ऐसा नहीं है। झारखंड के किसान जो है, देखिए अभी हाल फिलहाल में उनके यहाँ पर हमारे यहाँ मकई की और चावल की जो है खेती बुआई चल रही है, तो किसानों का बहुत सारे ऐसे संगठन है, जैसे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा और किसानों के जो संगठन थे और क्या कहते हैं मानवाधिकार के संगठन थे, उन्होंने आवाजें बुलंद की है झारखंड में भी इस कानून के। तो आपको मंडियों में क्या फसल का रेट मिलता है वहाँ पे जब आप जाते हो बेचने? देखिए 800 850 रुपए का जो रेट था वो धान का रेट अभी मिल रहा है, जबकि 1300 की MSP है। हाँ। यही सिंपल सी बात किसान कहने की एक बात कर रहे हैं कि MSP को आप लीगलाइज करिए, इतनी सी बात है। अभी आप 25 दिन पार कर दिए, आप कितने दिन पार कर रहे हैं अपनी जिद में, वो सरकार देख ले। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो झारखंड सरकार है और जो वहाँ के लोग हैं, गवर्नमेंट है, वो बिलों के बारे में क्या रुचि रखती है? झारखंड सरकार ने इस बिल का पूर्ण विरोध किया है और झारखंड सरकार ने भी आह्वान किया था। इनफैक्ट झारखंड सरकार अब क्या कर रही है, JMM की सरकार है वहाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा, किसानों के जो पुराने ऋण थे उन्होंने हाल फिलहाल कल ही 50,000 रुपये का ऋण है जो माफ किया है यहाँ पर। तो ये पता चल रहा है आने वाले टाइम में किसानों को बिजली बिल भी बढ़ा कर देना पड़ेगा। आपको लगता है रेल खुला होता और जो आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध होती तो और किसान झारखंड से यहाँ आते? मुझे ये लगता है भारतीय सरकार ने रेल जानबूझ के बंद की हुई है, सीधे शब्दों में यही कहूंगा, क्योंकि अगर चुनावी रैलियां हो सकती हैं तो ट्रेनें भी शुरू हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आज की मीटिंग है आप उसके बारे में क्या अरदास कर रहे हैं कि कैसे आप चाहते हैं कि इसका क्या? 5 मीटिंगें जा चुकी हैं जो अनकंक्लूसिव रही हैं, आज की मीटिंग अभी चल रही है, 40 हमारे योद्धा वहाँ पे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या मतलब विचार है? देखिए मुझे तो लगता है बीजेपी सरकार ने अपने सांसद सनी देओल के डायलॉग को सीरियस ले लिया, तारीख पे तारीख वही करती आ रही है। अच्छा। आने वाले समय में मुझे लगता है कि सरकार इसी जिद पे अड़े रहेगी। उनके कुछ नुमाइंदे जो सामाजिक तौर पे हमसे मिलते जुलते रहते हैं वो सीधा कहते हैं कि बिल को रद्द करना ही क्या ये उपाय है। मैं कहता हूँ कि जब आप सारी शर्तें मान रहे हो इसका मतलब आप जान रहे हो कि बिल की जो आपकी जो चीजें थी क्लॉजेस थी वो गलत थी, आपने गलत बिल लेके क्यों आए? ये तो पंजाब हरियाणा का जो कट है ये साथ में हुआ तो आज इतना बड़ा आंदोलन हो गया, वरना आपने तो किसानों को झोंक दिया था। बिल्कुल। जो झारखंड के युवा और किसान है जो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज आपका? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है बार बार दूसरे राज्यों में कि यहाँ पे 2,000 किसान है, 3,000 किसान है, ठंड में मर जाओगे, भूख में मर जाओगे, तो आपका कुछ मैसेज है उनको? देखिए आप लोगों का जो चैनल है उसके माध्यम से यूट्यूब के जो चैनल है यही अभी किसानों की आवाज़ बना हुआ है, अगर आप लोग नहीं होते तो सच शायद पता नहीं चलता। गोदी मीडिया जो है उन्होंने तो प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन को शुरू में नकार दिया था, अब देखते देखते ये जो आंदोलन है ये आप देख लीजिए हर प्रदेश के लोग किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं कहते हैं सिर्फ किसान ही क्यों पहुँचेंगे यहाँ पर, एक अनाज का पैकेट हम भी खरीदते हैं, कोई भी खरीदता है, तो उसके भी इस आंदोलन में आके यहाँ का सच जानने का हक है। मैं कहता हूँ कुछ 1-2-3 सांसद ही चुन लीजिए ना आप इतनी मीटिंग कर रहे हैं, आप एक मीटिंग 24 घंटे यहाँ एक रात काट के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस आंदोलन में किसान बैठे हैं या फिर सच्चे राष्ट्रवादी बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो युवा वहाँ से आने के लिए सोच रहे हैं और डाउटफुल हैं कि यहाँ आगे दिल्ली की सर्दी में ठंड में मर जाएंगे या कुछ, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? कोई डाउटफुल नहीं है, मैं बस ये कहूंगा हमारे जितने भी आगू है यानी अलग अलग जत्थेबंदी के अध्यक्ष हैं, गुरुद्वारे कमेटी के हैं, मंदिरों के अध्यक्ष हैं, मस्जिदों के हैं, सभी आह्वान करें कि आप एक वक्त जरूर आप 1-2 दिन टाइम निकालें उनके इंसानों के साथ गुजारें, वरना आपकी आने वाली जनरेशन अफसोस करेगी। बिल्कुल। थैंक यू सर। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? खुले आप बात रख सकते हैं हमारे जसपाल सिंह पंधेर रांची से। ठीक है। वाह जी खालसा, वाह जी फतेह जी।